MIUI 14 या HyperOS के लिए अगर आपको एक कूल प्रीमियम थीम चाहिए जो कि अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक और चेंजेस देखने को मिलता हो, तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो। अप्लाई करने के बाद शायद आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आ सकता है। तो अगर आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आता तो एक बार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद। तो इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कलरफुल आइकन्स देखने को मिलता है। गूगल का फोल्डर में सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा। कलरफुल आइकन के साथ आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फोल्डर स्टाइल भी देखने को मिलता है और सभी आइकन्स चेंज हो जाता है। आपका गूगल का फोल्डर हुआ, होम स्क्रीन हुआ, इनफैक्ट आपका टूल्स का फोल्डर में भी सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा। एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको आइकन्स देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट है जो कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। बजट भी चेंज हो जाता है। वॉलपेपर आपको ग्रेडियंट में देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर भी ठीक ठाक चेंजेस के साथ देखने को मिल जाता है। बस इसमें आपको जो है आपका खाली स्टेटस बार चेंज होगा, ना कि पूरा कंट्रोल सेंटर का टॉगल्स और UI भी चेंज होगा जो कि होना चाहिए था। बट हाँ, आपको इसमें बस कलरफुल स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा। फुल स्क्रीन में ऐसा कुछ आपको होम स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लुक के साथ है। इसमें आपको पेज इंडिकेटर जो हार्ट शेप में देखने को मिलता है, और अगर आप चाहिए इसका सेटिंग्स का UI में तो सेटिंग्स का UI भी चेंज हो जाएगा। आपको काफ़ी कलरफुल जो लुक देखने को मिलता है, मतलब कि वही ग्रेडियंट लुक देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली सभी टॉगल्स चेंज हो गया। इसमें आपको थीम के 4 टॉगल्स मिसिंग, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर थीम्स में ये सब टॉगल्स एक ना एक तो मिसिंग होते ही है। इसमें भी आपको सेम मिसिंग देखने को मिल जाता है टॉगल्स। और अबाउट फोन में भी चेंजेस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, जैसे कि UI तो चेंज हुआ है, बस खाली आपको ग्रेडियंट लुक वॉलपेपर बैकग्राउंड चेंज कर दिया गया है। अबाउट फोन डिस्प्ले, आपका एडिशनल सेटिंग्स और सभी जगह आपको सेम बैकग्राउंड चेंजेस के साथ देखने को मिलता है। बट हाँ, लुक काफ़ी अच्छा है। ये थीम डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता है, जो कि करना चाहिए था, कुछ और भी अलग लुक आता। बट हाँ, जो भी है अच्छा, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हटके थीम चाहिए था, काफ़ी कूल थीम चाहिए था, तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो। और पूरा UI में देख सकते हो, वही आपको सेम बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आपका होम स्क्रीन में भी सेम बैकग्राउंड है। और अगर आपका डिवाइस में MIUI या HyperOS का डायलॉग मैसेजेस आप, तो वो भी चेंज हो जाएगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होने वाला है। गूगल डायलॉग मैसेजेस आपके लिए थीम्स नहीं होता है। और फिर अगर आप चाहिए इसका वॉल्यूम स्लाइडर में, तो इसमें कुछ चेंजेस होता तो अच्छा लगता, बट बाय डिफॉल्ट ही है तो चेंज नहीं हुआ है। और लॉक स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो विजेट्स देखने को मिलता है, जो कि मेरे को पर्सनली यही रीज़न आपको सजेस्ट करने का ये देंगे कि इसमें आपको लॉक स्क्रीन 2 पेजेस देखने को मिलता है, और दोनों ही पेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक और चेंजेस के साथ है। तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो। अप्लाई करने के बाद शायद आपको इसका लॉक स्क्रीन ज़्यादा पसंद आए, फिर UI आपको अच्छा लग सकता, वो आप पे है। बट हाँ, लॉक स्क्रीन सच में अच्छा, तो एक बार अप्लाई करके देखो और बताओ कैसा लगा आपको ये थीम। और अभी तक वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ फीडबैक देना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो आपके पास कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक या कुछ भी है जो कि वीडियो बन सकता है, तो नीचे उसका भी जो कमेंट कर दो। और अगर आपको ये थीम डाउनलोड करना है तो जाओ थीम स्टोर में, सर्च करो कैप्सूल असेंबली। जैसे आप सर्च करोगे कैप्सूल असेंबली, आपको ये थीम मिल जाएगा। जाओ असेंबल कर दो कैप्सूल को, कैप्सूल असेंबली डाउनलोड करके, और बताओ कैसा लगा आपको थीम। आई होप आपको अभी तक ये थीम और ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया देखो, डाउनलोड कर लो थीम, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।